टीआरएस पार्टी से कोई तालुक नहीं है, और टीआरएस पार्टी में महिला इंचार्ज कारवां कांस्टिट्यूंसी को कोई भी नहीं, अब तक सिर्फ इंचार्ज है, डिवीजन प्रेसिडेंट है, डिवीजन की कमेटी रहती। टीआरएस पार्टी का नाम अगर बंद आने वाले दिनों सना को डिवीजन प्रेसिडेंट कहीं भी दिए, सौ गिरड़ों के बीच में एक शेरनी होना जरूरी है, इसलिए गिदड़ों को बाजू रख के सना को वापस सदर बनाया और उसी तरीके से काम कर रहे शरीफ भाई। मेरा नाम सना बेगम है, मैं टोली चौकी डिवीजन महिला प्रेसिडेंट हूँ। जो जीवन साहब टोली चौकी के इंचार्ज है टीआरएस पार्टी के, जो उन्होंने मेरे साथ कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। जीवन सिंह साहब एमआईएम के दबाव में आके जो काम कर रहे हैं बहुत गलत करे, ये जो कर रहे हैं उन्होंने किसके दबाव में, सिर्फ एमआईएम का दबाव है। उन्होंने एमएलए का डर से जो हरकत कर रहे हैं बहुत गलत है। मैं प्रेसिडेंट हूँ टीआरएस की, महिला प्रेसिडेंट हूँ। जब टीआरएस वाले महिला प्रेसिडेंट का साथ नहीं दे रहे, आप लोग टीआरएस के कार्टून जितने भी है कोई भी मामले में किसी की भी मदद करने जाने से पहले एक बार सोच लीजिए। जो मेरी औरत का साथ नहीं दे रहे पार्टी वाले, आपका क्या देंगे? आज मैं जो परेशान हूँ, जो मुसीबत में आई हुई हूँ, किसकी वजह से? टीआरएस पार्टी की प्रेसिडेंट होने की वजह से प्रेसिडेंट हूँ। मेरे तक कोई बच्चा मदद के लिए आया, मैं उसकी मदद करने के लिए गई, जाने पर मेरे साथ ये सलूक हो रहा कि मेरी इज्जत पर बात आ रही, मेरे को इतना बदनाम कर दे रहे जो बता नहीं सकती मैं आपको। मेरी इज्जत के साथ जितना खिलवाड़ हुआ यूट्यूब फेसबुक पे हर जगह आप देख सकते। मेरे जो इंचार्ज है जीवन सिंह साहब जो बता रहे कि शाहरुख नामी लड़का कोई नहीं है पार्टी में बोल के, जी हाँ शाहरुख नामी लड़का पार्टी में है। कहाँ पर? उनको अपने गैलेक्सी फंक्शन हॉल टोली चौकी में बच्चे को खंडवा पहनाया गया, फिर अपने टीआरएस पार्टी की जानिब से अपना सालरजंग कॉलोनी में भी एक जलसा हुआ था, वहाँ पर भी बच्चे को खंडवा पहनाया गया। अब जीवन सिंह ये बता रहे कि वो बच्चा पार्टी में नहीं है। हाँ एक बात ये चीज़ है कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, सिवाय खंडवा पहनाए सो कोई प्रूफ नहीं है। बच्चा कहीं फ़ोटो में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। कई सारे बच्चे ज्वाइन करे, ज़रूरी नहीं है सब बच्चे वीडियो में आना बल्कि। इतना सब होने के बावजूद जीवन सिंह साहब मेरा साथ देना चाहिए, बल्कि एमआईएम वालों का जो साथ दे के कर रहे हैं उन्होंने बहुत गलत काम कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। अब बाकी के जितने भी हैं टीआरएस पार्टी के लेडीज़ हो या जेंट्स हो, आप सब होशियार हो जाओ, बहुत गलत हो रहा अपने साथ, आप मेरा इंसाफ करिए। बस यही है मेरे को बोलना और कुछ बात करना नहीं है। शुक्रिया।